वे तो रेडी हो गए। हाँ, वह तो राजी होना चाहिए, क्योंकि पैसा देने वाले को भी कठिन होता है, मांगने वाले को भी कठिन मालूम पड़ता है। मित्र बढ़ते जाने चाहिए, पैसा वैसा तो गौण बात है, वह आ जाएगा, उसमें कोई सवाल नहीं है बड़ा। हमारे मित्र बढ़ते जाएं, ये हमारे सारे मित्रों को ख्याल रखना है, और हमारा जो भी मित्र है उसको ध्यान रखना है कि एक भी आदमी जो निकट आता है वह हमारा हो जाए। वह हमारे व्यवहार से, हमारे संबंध से, हमारे बोलने से हमारा हो जाए। हमारा एक भी शब्द उसे दूर ले जाने वाला नहीं, निकट लाने वाला बने। यह अगर ख्याल में रहा तो यह कोई कठिन नहीं है। 2 साल में इतने मित्र इकट्ठे होंगे, हमें पता ही नहीं है कि मित्रों को बढ़ाए जाना है, उनका दायरा बढ़ाए जाना है। जो भी आदमी निकट आता है वह मित्र हो ही जाना चाहिए, यह मौका नहीं चूक जाना चाहिए। वह आदमी आया है, उसका पूरा सम्मान, और उसका सम्मान इसमें है कि हम उसे मित्र बनाते हैं। 4 लाख मित्र 1 महीने में करना पड़े? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये जो हमें ख्याल ही नहीं है ना, हमें ख्याल नहीं है, दिन भर में कौन आदमी कितने लोगों से मिल रहा है, कितने लोगों के निकट जा रहा है, कितने लोगों से संबंधित हो रहा है। लेकिन हम अपने काम से व्यस्त हैं, काम से मतलब है, मित्रता से तो कोई मतलब नहीं है। सीधी और सरल मित्रता का हमें ख्याल नहीं है, और जब भी कोई आदमी सीधी और सरल मित्रता का ख्याल लेता है तो जिनको हम बिल्कुल कमजोर कहें, सामर्थ्यहीन कहें, दीनहीन कहें, वे इतने बल की तरह आने शुरू हो जाते हैं, इतने सबल होकर आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी दृष्टि में एक तो यह आपसे कहना था कि रुपये की बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कहीं वह इतनी महत्वपूर्ण न हो जाए कि हमारा सारा चित उसके आसपास ही चिंतन करने लगे। उसे हमेशा मनुष्य से नीचे और मित्रों से पीछे रखना है। एक मित्र अगर बनता हो रुपया खोकर, तो मित्र बचा लेना रुपया खो देना है, और एक आदमी अगर रुपया देकर मित्रता छोड़ता हो तो रुपया नहीं लेना है, मित्रता बचा लेनी है। वह ज्यादा दूरदृष्टि होगी, ज्यादा अर्थपूर्ण होगी, ज्यादा गहरी होगी, ज्यादा फायदे की होगी। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। और कुछ भय अगर काम करने वाले मित्रों के मन में हो तो काम में पीछे से रुकावट लगती है, खुद के भीतर से रुकावट लगती है, बाहर से उतनी रुकावट नहीं लगती। काम में जितनी भीतर मेरे कोई भय हो उससे रुकावट लग जाती है। तो भीतर के भय का हमें बिल्कुल ही स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। तो जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो भीतर कोई भी भय हो हमारे, उसे भीतर छिपाकर नहीं रख लेना चाहिए, क्योंकि भीतर छिपा हुआ वह मौजूद रहेगा और वह पीछे से खींचता रहेगा, कदम को बढ़ाने में डर देगा कि कहीं ये खतरा ना हो, कहीं ये खतरा ना हो, कहीं ये खतरा ना हो। तो वे सारे भय हमें स्पष्ट कर लेने चाहिए ताकि एकदम अभय मन हो। जितना अभय मन होता है उतनी तीव्र गति से काम कर पाता है। अगर भय है भीतर तो हम अपने ही हाथ को अपने हाथ से खींचते रहते हैं, हम खुद डरे रहते हैं, हम कहते भी हैं कि काम करना है और डरे भी रहते हैं कि कहीं ये भय ना खड़ा हो जाए, कहीं ये भय ना खड़ा हो जाए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो रुकावट बनती है इस दिशा में सक्रिय होने में, वे भीतर के भय होते हैं। कई तरह के भय हो सकते हैं, इन सारे भयों पर विचार कर लेना चाहिए, इन सारे फियर्स को ठीक से समझ लेना चाहिए, और समझ कर बिल्कुल निर्भय हो जाना चाहिए। अगर ये मन में काम करते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने ही हाथ से खुद को रोकने की जंजीरें भीतर खड़ी किए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1, 2, 4 भय की हम बात कर ले कि क्या भय हो सकते हैं। बहुत तरह के भय हो सकते हैं। सबसे बड़ा भय, जैसे यहाँ इतने मित्र इकट्ठे हुए हैं, जब भी हमें ये ख्याल उठता है कि इतना रुपया इकट्ठा करना है, इतना काम करना है, इतनी व्यवस्था करनी है, तो एकदम से सीधा सवाल उठता है कि मुझे तो नहीं देना पड़ेगा ये रुपया, मुझे तो नहीं करना पड़ेगा ये। पहला भय मन के भीतर सहज खड़ा हो जाता है कि इसमें मैं कहा, हाँ इसमें भय आ जाएगा। ये जो भय खड़ा होता है, ये भय एकदम ही निर्मूल है। निर्मूल इसलिए है कि कोई संकोच से तो किसी को इसमें जरा भी सहयोग नहीं देना है। अगर किसी मित्र को लगता है कि इसलिए मुझे भय है, तो उसे उठकर कह देना चाहिए। जैसे अभी खेतानजी ने कहा, वह बिल्कुल ठीक कहा, उसे कह देना चाहिए कि मैं इसमें कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन ये काम बड़े, यह मैं चाहता हूँ, तो मैं जो सहयोग दे सकता हूँ वह मैं दूंगा, लेकिन उसमें पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ।
ये कहकर उसे निर्भय हो जाना चाहिए। फिर वह निर्भय होकर काम में लगता है, फिर उसे कोई झंझट नहीं रह जाती, उसे कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उसे कोई संकोच पालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वह संकोच पालता है तो वह 25 तरह के इस भय को छिपाए रखने के लिए 25 और बातें करेगा और विचार करेगा और वह उससे कठिनाइयां खड़ी होंगी। वह तो सीधी साफ बात है, यहाँ कोई किसी को कोई संकोच से कुछ देना चाहिए सहयोग किसी भी तरह का, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। वह उसकी मित्रता का आनंद हो, ये दूसरी बात है। उसके सामर्थ्य के बाहर हो, उसकी सीमा के बाहर हो, वह उलझन में हो, तो उसे यह विचार ही छोड़ देना चाहिए। उसे स्पष्ट कह देना चाहिए कि मैं इसमें सहमत हूँ और यह काम ठीक है और मैं इसमें साथ दूंगा, लेकिन इतना जो मैं नहीं कर सकता हूँ वह मैं यह नहीं कर सकता हूँ। वह निर्भय हो जाएगा। ऐसे अगर 50 निर्भय मित्र हैं तो उनके पास बड़ी शक्ति खड़ी हो जाएगी। या वह कहे कि मैं इतना दे सकता हूँ, इतना मैं दे दूंगा, तो भी निर्भय हो जाएगा। उसमें कोई चिंता और विचार का सवाल नहीं है। ऐसे ही और ढेर सारे भय मन को अनेक अनेक कोनों से पकड़ना शुरू करते हैं। तो जब कार्यकर्ताओं का वर्ग मिले, अगली बार जब हम मिले, तो इन सारी बातों पर बहुत स्पष्ट बातें करनी चाहिए। कुछ मित्रों को किन्हीं मित्रों से कुछ शिकायतें होती हैं, तो वे मुझे अलग से कहते हैं, वह मुझे पसंद नहीं है। जो भी शिकायत हो, जब हम सब मित्र मिलते हैं तो हमें कह देनी चाहिए। आखिर मित्र का मतलब ही यह होता है कि अगर उसकी कोई शिकायत है तो हम उससे कह दे कि यह हमें शिकायत है, इससे काम को नुकसान पहुंचेगा या काम को बाधा पड़ेगी। तो वह सारी शिकायतों की हमें बात कर लेनी चाहिए ताकि वे साफ हो जाएं। हो सकता है हम भूल में हो, हमारी शिकायत गलत हो, तो ये साफ हो जाए। हो सकता है जिस मित्र की हमने शिकायत की है वह भूल में हो, तो उसकी बात साफ हो जाए। लेकिन अगर मन मन में कहीं हमारे कुछ बातें पलती रहें, तो वे दीवाले खड़ी करती हैं और जहां हमें इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए वहां हम इकट्ठा होकर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो एक बात ये ध्यान में लेनी है कि अगर कोई काम करना है, बड़ा काम करना है और एक बड़े सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो जो जो चीजें सहयोग में बाधा बन सकती हैं उनको तोड़ने की हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगली बार जब भी हम मिलते हैं तो हमें बहुत आत्मा आलोचना करने के लिए भी तैयार होना चाहिए, मित्रों की आलोचना करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी सूझ समझ भी हमें पैदा करनी चाहिए, लेकिन अलग से बात करनी बंद कर देनी चाहिए। और प्रत्येक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, अगर उस काम में कोई बाधा पड़ती है तो उसे बदलने के लिए तैयार होना चाहिए कि मैं बदल लूं। कोई भूल चूक होती है उससे तत्काल तैयार हो जाऊं और बदलने को राजी हो जाऊं। ये थोड़ी सी बातें अगर हम ख्याल में ले लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारी गति पूरी क्षमता से आगे क्यों न बढ़ सके और हम जो इरादा करते हैं वह पूरा क्यों न हो सके और न केवल वह सफल हो बल्कि सुफल भी क्यों न हो सके। क्योंकि सफलता तो कई रास्तों से आ जाती है लेकिन सुफलता कठिन बात है। अकेली सफलता तो कई तरह से आ सकती है, हजार रास्ते खोजे जा सकते हैं, जो रास्ते गलत होंगे काम को सफल बना हुआ दिखा देंगे। लेकिन ऐसी सफलता की कोई आकांक्षा नहीं, कोई विचार भी नहीं करना चाहिए। सुफल कैसे हो, जो फल आए वे सचमुच शुभ कैसे हो, केवल फल आ जाए इतना काफी नहीं है। एक केंद्र बन जाए, एक आश्रम बन जाए, एक विद्यापीठ बन जाए, इतना काफी नहीं है। लेकिन जो हमारे इरादे हैं उनको पूरा करके बने। मेरी दृष्टि में अच्छा काम अधूरा भी हो तो भी ठीक है और बुरा काम पूरा भी हो जाए तो ठीक नहीं। बुरा काम सफल भी हो जाए तो ठीक नहीं, अच्छा काम सपना भी रह जाए तो भी ठीक है। फिर कोई और होगा जो उस सपने को आगे बढ़ाएगा। कोई हमने ठेका तो ले नहीं रखा है कि कोई सपने को हम पूरा ही करेंगे, लेकिन वह सपना सुंदर और शुभ है तो हम प्रयास करें। और कोई समझौते के लिए नहीं तैयार होना चाहिए। जैसे परमानंद भाई ने कहा कि वे खुश हुए कि मैं किसी खूंटे से बंध गया हूँ। वे भूल में हैं, वे बिल्कुल भूल में हैं। मैं किसी खूंटे से कहीं बंधता नहीं। कोई बंधने का कारण नहीं है, कोई बंधने की जरूरत भी नहीं है। बंधने का थोड़ा भी भय होता तो मैं बात ही नहीं चलाता। बंधने का चूंकि कोई भय नहीं है इसलिए मैं राजी हो गया हूँ। अगर जरा भी भय होता कि इसमें बंधन खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, तब तो मैं राजी ही नहीं होता।
चूंकि कोई भय नहीं है, क्योंकि बंधन खड़ा ही नहीं हो सकता, इसलिए बंधन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। कल आप कहेंगे कि वह फला आदमी 1,00,000 रुपया देता है तो जरा उसके धर्म के खिलाफ मत बोले, तो मैं कोई आपकी बात मानने को राजी नहीं हो जाऊंगा। कल आप कहें कि वह इतने लोगों ने ये काम किया है इसलिए यह बात मत कहें, तो उसके लिए मैं राजी नहीं हो जाऊंगा। कहीं मैं किसी समझौते के लिए राजी नहीं हूँ, कोई समझौते का सवाल ही नहीं है, इसलिए मैं तो कहीं बंधता नहीं हूँ, कोई बंधन उससे खड़ा होता नहीं, और मैं किसी समझौते के लिए भी राजी नहीं हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वह मैं कहूंगा और उसको जोर से कहूंगा और उसको जोर से कह सकूं, इसलिए ये सारा उपाय है। जो कर रहा हूँ उसको जोर से कर सकूं, जितनी चोट आज करता हूँ कल और जोर से कर सकूं, जितना प्रहार आज करता हूँ कल और जोर से कर सकूं, और उसके लिए ताकत इकट्ठी हो सके कि वह प्रहार और जोर से किया जा सके और सबलता से। और सन्यासी की मेरी दृष्टि ही ऐसी है कि जो सब बंधन के बीच में भी खड़ा रहकर बंधन में नहीं होता, उसी को मैं सन्यासी कहता हूँ। जो बंधन से भागकर और बंधन में नहीं होता वह सन्यासी अभी है नहीं, उसके मन में भय है कि कहीं बंध न जाए इसलिए भागा फिर रहा है, वह बंधा हुआ है इसलिए भागा फिर रहा है, उसका चित कहीं डरता है कहीं अटका हुआ है। जिसका कहीं अटका हुआ नहीं है उससे कोई भय नहीं रह जाता, कोई कारण नहीं रह जाता, तो उसमें कहीं वह कहीं भी मन में ख्याल लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कहीं बंध रहा हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ वह जो मैं कल कहता रहा हूँ उसकी ही तार्किक निष्पत्ति है। कल अभी और बातें आपसे कहूंगा, परसों और बातें कहूंगा, आपकी भूमिका जैसे तैयार होती चली जाती है उतना मैं आपसे कहना शुरू करूंगा। जितने दूर तक आप जाने को राजी हो जाते हैं उससे मैं थोड़े और आगे की बात कहूंगा, ताकि आप और थोड़े दूर जा सकें। शायद यही बात मैं आपसे 2 साल पहले कहता तो शायद आप बंधने को राजी ना होते। नहीं, आपसे कहा इसलिए नहीं कि मैं बंधने को राजी नहीं था, 2 साल पहले आप तैयार नहीं होते इसलिए 2 साल पहले नहीं कही बात। अभी भी जो बात कही है 2 साल बाद और बात आपसे कहूंगा, जितने आप राजी होते चले जाएंगे उतनी बात आपसे कहता चला जाऊंगा। मेरी दृष्टि में पूरा ख्याल है, लेकिन आप जिस अर्थ में तैयार होंगे उस अर्थ में ही उसे कहा जा सकता है, अन्यथा उसे कहने का कोई कारण नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। अभी और बहुत सी क्रांतियों में आपके मन को ले जाने की मैं तैयारी करूंगा। शायद उन क्रांतियों में बहुत से मित्र डर जाएं और पीछे छूट जाएं। शायद उन क्रांतियों में बहुत से लोग ख्याल भी न करें कि इतनी बड़ी क्रांति की कोई बात होने को थी, तो शायद हम पहले ही रुक जाते। लेकिन जितनी बड़ी चुनौती खड़ी होती है उतना ही भीतर बल भी खड़ा होता चला जाता है, और एक मित्र छूटता है तो 10 खड़े हो जाते हैं, अगर चुनौती सत्य हो, वस्तुतः मनुष्य के जीवन को उससे कोई हित होने को हो। तो मैं कोई फूलों का रास्ता आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, उस पर और कांटे आने को हैं, और मुझे पूरा पता है। लेकिन अगर आपके हृदय में ये ख्याल आ गया हो कि देश की चेतना को और मनुष्य की चेतना को बदलने की कोई जरूरत आ गई है, आपने अपने दुख और पीड़ा से यह अनुभव किया हो, चारों तरफ के उपद्रव, चारों तरफ की उच्छृंखलता, चारों तरफ का जीवन जो छिन भिन हो गया है, सब तरफ से जिसकी सारी जड़ें हिल गई हैं, सब तरफ कुम्हला गया, ऐसा लगता हो कि इसमें कोई नए प्राण डाले जा सकते हैं, तो साहस से उसके प्रति कदम उठाना जरूरी है। जितने आप तैयार होंगे उतने बड़े साहस के लिए मैं आपसे कहना शुरू कर दूंगा। सर्वांगीण जीवन में क्रांति हो वह मेरे ख्याल में है। धर्म से मैंने चर्चा शुरू की है क्योंकि धर्म सबसे केंद्रीय तत्व है, और धर्म में क्रांति करने को जो राजी हो जाता है, मेरी मान्यता है वह किसी भी चीज में क्रांति करने को राजी हो जाएगा, क्योंकि वह प्राणों का केंद्रीय मोह है। अगर उस पर कोई क्रांति करने को राजी हो गया तो फिर और जिंदगी के किसी मसले पर वह डरने वाला नहीं है, इसलिए उससे बात शुरू की है। जो लोग उसके लिए राजी हैं वे और चीजों के लिए भी राजी हो जाएंगे, यह मेरी समझ है। अंत में एक बात कहूंगा, उसी संबंध में सुबह भी हम फिर चर्चा कर सकेंगे। वह ये सारी कारोबारी बात हुई। इस सारी बात में, जैसे मैंने कल सांझ को आपसे कहा कि सेल्फ सेंटर्ड, जो बिल्कुल स्व केंद्रित हो जाता है, वह भूल है, खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि काम में उलझ जाना है पूरा और उसे भूल जाना है जो हम स्वयं है।
काम भी इसलिए है ताकि दूसरों के भीतर जो स्वयं छिपा है उसकी हम उसे याद दिला सकें। तो हम उसे भूल जाएं तो खतरनाक है। विनोबा के काम में सैकड़ों बहुत निष्ठाशील लोग आए और 10 वर्षों के, 12 वर्षों के, 15 वर्षों के अनुभव से सिर्फ दुख और विषाद से भरकर धीरे धीरे वापस होने लगे। उनमें से अनेक लोगों ने मुझसे कहा, हम जिस ख्याल से आए थे तो विनोबा ने तो हमें एक काम में लगा दिया, वह ख्याल तो एक तरफ रह गया। हम आए थे अपनी आत्म उपलब्धि के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, वह एक तरफ रह गया और हमें एक काम में लगा दिया। ये 15 वर्ष हमारे निकल गए और हमें ऐसा लगता है कि यह तो ठीक था, एक दुकान वह थी जो हम करते थे, एक दुकान ये थी जो की, लेकिन इससे हुआ क्या, हमें क्या हुआ? तो इस संबंध में कल सुबह आपसे मुझे कहना है, ये ध्यान रखना है कि आप इस काम में कितने ही उत्सुक हो जाएं, लेकिन वह गौण है, वह प्रमुख नहीं है। प्रमुख तो वह है कि आपके जीवन में आलोक आनंद अवतरित हो। वह हो तो आप बांट सकेंगे, वह न हो तो आप बांट भी नहीं सकेंगे। तो हमें ऐसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो साधक ना हो। उस कार्यकर्ता की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं कल वह कार्यकर्ता दुखी होगा, परेशान होगा और सारा जिम्मा वह हम पर थोप देगा कि हमें एक काम में उलझा दिया और हम तो इसमें खो बैठे। पूना के ही एक मित्र मानिक प्रभु, वे विनोबा के पास गए। पहले वे रामकृष्ण मिशन में गए तो उन्होंने उन्हें एक अस्पताल में लगा दिया। तो उन्होंने 2-4 वर्ष अस्पताल में सेवा की। फिर उनको लगा, भाई ठीक है, ये तो किसी अस्पताल में भी हम कर लेते, लेकिन इससे हुआ क्या? इससे तो हम कहीं गए नहीं, मैं तो वही का वही हूँ। वे वहां से छोड़कर विनोबा के पास गए। विनोबा ने कहा कि तू 10 साल की पैदल यात्रा कर पूरे मुल्क की और मेरा साहित्य ले जा और गांव-गांव में साहित्य पहुंचा दे। वे बेचारे साहित्य का झोला लेकर गांव-गांव घूमने लगे। 2 साल घूम चुके, अभी वे 1-3 दिन पहले जबलपुर आए और मेरे पास आए। तो मैंने उनसे पूछा कि यह तो दूसरी अस्पताल शुरू हो गई। ठीक था, जब 2-4 साल में अनुभव किए कि यह तो अस्पताल है, ठीक है, इससे हुआ क्या? तो गीता प्रवचन बेचकर क्या हो जाएगा? या मैं तुमसे ये गीता प्रवचन छीन लूं और साधना पथ पकड़ा दूं और क्रांति बीज पकड़ा दूं कि जाओ गांव-गांव इसको बेचो 10 साल तक, तो क्या होगा? तो मैंने उनको कहा कि जैसे वे अस्पताल के दिन फिजूल गए, ये भी 10 साल फिजूल चले जाएंगे। अगर यह ख्याल ना हो आपको कि यह गौण है और केंद्रीय बात कुछ और है और उसे भूल नहीं जाना है, नहीं तो क्या पहुंचाएंगे लोगों तक? पहुंचाने का सवाल कहाँ है? तो साधक प्रथम है और उसका कार्यकर्ता होना एकदम द्वितीय है। और अगर दोनों में से खोना हो तो कार्यकर्तापन को खो देना, साधकपन को मत खोना। तो इस संबंध में कल सुबह आपसे बात करूंगा, क्योंकि अंतिम जाने के पहले वह बात कर लेनी जरूरी है। नहीं तो इन 3-4 बैठकों से कहीं आप एकदम कार्यकर्ता होकर लौट जाएं, तो वह भारी नुकसान हो गया। वह तो बहुत भारी नुकसान हो गया। तो कल सुबह उसके बाबत हम थोड़ी बैठकर बात कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए कि साधक हैं आप, कार्यकर्ता होना बिल्कुल गौण बात है। अगर वह खोती हो तो खो सकती है, लेकिन साधक होना नहीं खो सकता, किसी मूल्य पर नहीं खो सकता। साधक होते हुए अगर कोई काम आपसे बन सकता है, उसे जरूर करें, उसे जरूर पहुंचा दें। आत्मा रहे तो शरीर रह सकता है, शरीर अकेला रह जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में ये भूल बहुत दफे हो चुकी है, रोज होती है। और आप जल्दी से कार्यकर्ता बन सकते हैं, मैं जानता हूँ। ये कठिनाई नहीं है, यह एकदम सरल बात है। सवाल तो साधक बनने का कठिन है, कार्यकर्ता बनने का तो एकदम सरल है, उसमें क्या कठिनाई है? और कोई दूसरा काम न करके ये काम आप कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो कि काम करने को एकदम तैयार हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्रिया अक्रिया के केंद्र पर हो तो ही अर्थपूर्ण है, तो ही आध्यात्मिक है, नहीं तो नहीं। तो वह हम जो केंद्र भी बना रहे हैं, वह अक्रिया सिखाने को बना रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कार्यकर्ता हो जाएं, तब तो मामला खत्म हो गया, उस केंद्र को बनाकर हम क्या करेंगे? वह फिजूल हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। उसकी बात हम कल सुबह करेंगे।